नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मजबूरी में पाक दिवस समारोह में गए थे वीके सिंह। पाकिस्तान उच्चायोग में सोमवार रात हुए राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के कुछ देर बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। पूर्व सेना प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि नैतिक भावना सिद्धांतों का अपमान करने के लिए। इसके ठीक बाद दूसरे ट्वीट में कहा गया, खींचने के लिए या नफरत से भरने के लिए। तीसरे ट्वीट में कहा गया, एक काम या सेवा आवंटित किया गया। जबकि चौथे में कहा गया कि एक ताकत जो एक व्यक्ति को नैतिक या कानूनी रूप से उसके दायित्वों से बांधती है। वहीं आखिरी ट्वीट में कहा गया, एक काम या कार्य जो एक व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से करने के लिए बाध्य है। इससे पहले कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें सरकार ने कार्यक्रम में उसका प्रतिनिधित्व करने को कहा था। पूर्व सेनाध्यक्ष सिंह ने समारोह में हिस्सा लिया जहां विभिन्न कश्मीरी अलगाववादियों जैसे मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी और यासिन मलिक ने भी हिस्सा लिया। इंडियन फैंस ने खरीदे मैच के 70% टिकट, ऑस्ट्रेलियाई परेशान। विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल 26 मार्च को खेला जाना है। दूसरे सेमीफाइनल के लिए भारतीय फैंस इतने रोमांचित है कि उन्होंने स्टेडियम के लगभग 70% टिकट खरीद लिए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने खुद ट्वीट कर ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों का समर्थन मांगा है। माइकल क्लार्क ने ट्वीट कर कहा, मैं सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्रेमियों से गुरुवार को SCG को पीले रंग में रंग देने की अपील करता हूं। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। वहीं आयोजकों का कहना है कि 42,000 की क्षमता वाले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 26 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन जैसा माहौल दिख सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह स्थिति किसी पार्टी में मेजबान को बाहर कर दिए जाने जैसी होगी। सेमीफाइनल मैच देखने के लिए हजारों भारतीय समर्थक अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर और भारतीय उपमहाद्वीप से सिडनी पहुंच चुके हैं। शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके और नमक हलाल, दीवार और कभी कभी जैसी यादगार फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता फिल्मकार शशि कपूर को फिल्म क्षेत्र के देश के सबसे बड़े सम्मान प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुर्दे की तकलीफों से पीड़ित अभिनेता अपने पिता पृथ्वीराज कपूर और बड़े भाई राज कपूर के बाद यह सम्मान पाने वाले अपने परिवार के तीसरे सदस्य हैं।